तो अभी हम लोग सांताक्रा में 3 दिन स्पेंड करने के बाद आज हम नीचे जा रहे हैं दोबान के तरफ, जहाँ से हम ऊपर आए थे। तो मेरे साथ है भाई और मेरी वाइफ और मेरी सास माँ जो है वो गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए हम पैदल जाएंगे। तो यहाँ से हमें पहुँच करीबन आधा घंटे का समय लगेगा, क्योंकि हम तो ज़्यादा आखिर में चलने का हमें आदत नहीं है, तो हमें शायद आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो धीरे धीरे आपको ये नज़ारा आपको दिखाते जाएंगे। तो गाइस, ये कहानी आज से करीबन एक हफ्ते पहले की है, जब मैं नेपाल के ताप्लेजुंग जिले के अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया था। दिन भर हमें शायद इसी मंदिर को ढूंढा था, लेकिन हमें नहीं मिला, पर किसी दूसरे जगह पे पहुंच गए थे। हाँ तो कल हम दूसरे जगह पे पहुंचे थे, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि आज हमें मिल गया ये मंदिर और हम इसके ऊपर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब भी उड़ जाऊँ और यहाँ से सीधा नीचे उड़ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास उड़ने के लिए पंख नहीं है, तो अभी के लिए रहने देते हैं। लेकिन ये नज़ारा वाकई में कमाल है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। सो अभी के लिए इतना ही, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें नीचे दोबान तक जाना है। और दोबान जो है वही है जो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ही छोटा दिख रहा है। वहाँ पे जो नीचे जो ब्रिज दिख रहा है एक छोटा सा, वही दोबान है और हमें वही नीचे जाना है। और शायद हमें वहाँ जाने के लिए और 15 से 20 मिनट लगेगा और यहाँ से हमें जल्दी निकलना है, तो चलिए चलते हैं। कहाँ बड़ा को बहनी, पहाड़ों के रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट रहता है चलने के लिए, और स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि हमें ऐसे पहाड़ियों रास्तों पर चलने का आदत नहीं रहता है और थोड़ा हमें संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फिसल गए यहाँ से तो झाड़ियों से लुढ़कते हुए सीधे नीचे नदी में जाकर गिरेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी जो हम जो है ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से हम लोग आए हैं उतर के, तो अभी हम थोड़ा थक गए हैं, अभी यहाँ पे आराम करेंगे, थोड़ा हवा खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और आधा से शायद ज़्यादा रास्ता हम चल चुके हैं, अभी बस थोड़ी बाकी है।
तो रास्ते में अगर कहीं पानी मिला तो पानी पियेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पानी जान पी ना नहीं। ओह गॉड यार, हमारा बैड लक, पानी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइस इस ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए। और हम दोबान पहुंच चुके हैं, और आपको मैंने जो ऊपर से जो ब्रिज दिखाया था वो यही वाला ब्रिज है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इंजॉय। अगर आप नए हैं मेरे चैनल, अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।